पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में भेजने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इंग्लिश में कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एनर्जी को एक वाइंडिंग से मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए और इंड्यूस करंट को पैदा करने के लिए। मतलब प्राइमरी में हम एसी करंट देते हैं तो सेकेंडरी में भी एसी करंट ही देता है, ज़्यादातर हमारा ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है। अगर कोई भी पूछ देता है ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर मोस्टली यूज टू इंक्रीज वोल्टेज, तो जब वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और जब वोल्टेज को घटाना होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करेंगे। तो हमारे जितने भी प्लेट्स होते हैं, यहाँ देखिए जितने भी प्लेट्स होते हैं, जैसे चार्जर हुआ, चार्जर में 220 वोल्ट एसी आ रहा है लेकिन हमको डीसी कितना चाहिए, 19 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है जो ट्रांसफार्मर को अलग अलग यूज करते हैं। तो ये अब देखिए ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। ये ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है कि घर में आता है 220 वोल्ट एसी, तो एसी से हमको 12 वोल्ट निकालना है, 5 वोल्ट लगाना है, तो अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो सर्किट में ट्रांसफार्मर को आइए हम डीपली समझते हैं। जैसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में एक आई कोड लगा रहता है, क्या कोड होता है बाबू, आई टाइप लगा रहता है, आई टाइप का एक लोहा लगा रहता है, उसमें एक ई टाइप लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ई टाइप। तो जब ई टाइप लग जाता है उसके बाद एक बॉबिन होती है, क्या होती है, बॉबिन, जिसके ऊपर क्वाइल लपेटक है और उसके में अंदर दो क्वाइल लेते हैं, दोनों क्वाइल को बॉबिन के अंदर एक इधर से लपेट के इधर बाहर निकाल दिया जाता है और एक इधर को, और इसमें एक इधर से ई टाइप भरा जाता है, एक इधर से, और बीच में जो गैप होती है उसमें आई। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम समझेंगे कि बताया हूँ कि जो एक साइड से करंट लेता है और दूसरे साइड देता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में दो साइड होती है, एक प्राइमरी साइड होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी साइड होती है। तो देखिए मैंने अपना किया कि ट्रांसफार्मर जैसे कैसे कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांसफार्मर में देखिए अलग अलग दिखा रहा हूँ, जिसमें इसमें देखिए दो बाइंडिंग है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी में हमेशा दो वायर होते हैं, सेकेंडरी में दो से अधिक। तो इधर इधर भी देखिए बना के अंदर बनाव किया गया है, क्वाइल से निकल रहे थे, एक क्वाइल का पहला सिरा है दूसरा, और पहले क्वाइल का है दूसरा सिरा। तो इधर से इनपुट होगा जो ज़्यादा करंट लेगा और इधर कम करेगा, तो ये क्वाइल है। तो दूसरा देखिए क्वाइल, ये देखने में रियल शेप है, ऐसा ही लगा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, दो इनपुट होंगे, चार भी वायर निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट में होती है, दो भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक क्वाइल होते हैं, क्वाइल पहचान, सॉरी क्वाइल है, तो इसीलिए इसे हम प्राइमरी में अभी बताएंगे कैसे सिंबल होती है। तो ये ट्रांसफार्मर का अलग अलग शेप होता है, देखिए अंदर से देखिए इधर से एक ई टाइप लगाया गया है इधर से ही, और बीच में जहाँ गैप होती है उसमें आई भर दिया जाता है, कोर बोलते हैं इसको। तो ये जो पहला सिरा जो क्वाइल लपेटा जाता है उसे प्राइमरी कहते हैं, जो दूसरा सिरा होता है उसे सेकेंडरी। तो जिधर से करंट देते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, जिधर से करंट आउट होता है उसे सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर अलग अलग शेप में होते हैं, देखिए किसी में दो इनपुट होगा चार आउटपुट होगा, किसी में तीन दो इनपुट होगा छः आउटपुट होगा, तो अलग बता, लेकिन दो ही प्रकार के डाउन होंगे, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। जो ज़्यादा करंट लेके कम देगा उसे स्टेप डाउन, और जो कम लेके ज़्यादा देगा उसे स्टेप अप। तो अलग अलग सर्किट में देखिए अलग अलग हुआ है, इसको ज़्यादा देखना है ना। देखिए देखिए ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल है, तो ये प्राइमरी का सिंबल होता है और ये सेकेंडरी, इसे L1 बोलते हैं, इसे L2 बोलते हैं, इसे प्राइमरी सिरा बोलते हैं, इसे किधर। तो जिधर से करंट देते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, जिधर से करंट निकलता है उसे। तो अब आइए ट्रांसफार्मर हिंदी में कोई पूछ देता है क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मतलब कोई बदलाव नहीं करता। तो ये याद आ जाए कि जिधर से करंट, प्राइमरी बाइंडिंग किसे कहते हैं, तो जिधर से करंट रिसीव होता है मतलब इनपुट होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। जिधर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर निकलता है, जिधर से लोड दिया जाता है, जिधर सर्किट में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग। जैसे मान लेते हैं चार्जर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो जिधर से 220 वोल्ट दिया जाए वो प्राइमरी होगा, जिधर से 12 वोल्ट निकलेगा ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया,
तो ये आपका सर्किट होता है कि कोई भी अगर पूछे ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे यूज होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किया जाता है। अब आइए किस समझते हैं, ट्रांसफार्मर जब बन जाता है, जो ये सिरा होती है, क्वाइल होता है, इसलिए इसे L1 कहते हैं, क्योंकि बताए थे कि बॉबिन में दो क्वाइल लगते हैं और ये दूसरा जो सिला में जो क्वाइल लगा होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो जो इसे L1, इसे L2, इसे प्राइमरी सिरा कहेंगे और इसे सेकेंडरी सिरा कहेंगे। अब बात आती है, हम एक एक ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। देखिए तो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है अलग अलग होता है, जैसे ये देखिए मैंने ज़्यादा किया हूँ, ध्यान से देखिएगा, इधर कम किया हूँ, इधर ज़्यादा, जो कम लेगा हो ज़्यादा, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिंबल। कौन बाबू? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों स्टेप अप कहेंगे? क्योंकि ये कम करेंट ले रहा है और इधर से ज़्यादा दे रहा है। दूसरा जो सिंबल होता है देखिएगा, ऐसे होता है जो ज़्यादा यूज होता है, जो इस तरह, इधर देखिए प्राइमरी में ज़्यादा किया हूँ, सेकेंडरी में कम किया हूँ, मतलब ये प्राइमरी सिरा एक सेकेंडरी, इसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन, जो इधर से ज़्यादा करंट लेगा और कम लेगा। जैसे मान लेते हैं 220 वोल्ट इधर से लिया, ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट या 6 वोल्ट जो वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वोल्ट देगा। आया? एक होता है मल्टी टैप ट्रांसफार्मर, जो एक करंट लेता है, अलग अलग वोल्टेज देता है, इधर कई आउटपुट करेगा। जैसे यहाँ से 220 वोल्ट, इसलिए ये भी स्टेप डाउन है हुआ, लेकिन इसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ही है, लेकिन इसे हम बोलते हैं मल्टी टैप्ड ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, एक जगह से 220 वोल्ट एसी इनपुट किया, मतलब प्राइमरी में इनपुट किया और सेकेंडरी से आउट किया, तो ये जो होगा कहीं से 12 वोल्ट देगा, कहीं से 9 वोल्ट देगा, कहीं 7 वोल्ट देगा, कहीं 6 वोल्ट देगा, कहीं 4.5 वोल्ट देगा, स्टेबलाइजर में लगता है, ये कहीं पे 0 वोल्ट देगा, जो हम लोग एलिमिनेटर बूस्टर वो बनाते हैं, बूस्टर मोबाइलों में होता है, इसमें ये मल्टी टैप। एक होता है सिंपल ट्रांसफार्मर, जो एक जगह से करंट लेगा और दो अलग अलग देगा, जैसे यहाँ से 12 वोल्ट देगा, यहाँ से 6 वोल्ट देगा, ये ज़्यादा कंप्यूटर में यूज होता है। तो अलग अलग सिंबल समझ में आया, ये सिंबल होता है। कहीं भी अब बात आती है ट्रांसफार्मर लगा रहेगा वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, तो उसकी डिनोटिंग जो लेटर होगी, जहीं भी ट्रांसफार्मर लगा रहेगा वहाँ पे टी गूरे या फार लिखा होगा, या L1 लिखा होगा और L2, या ऐसे बनाया रहेगा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, PS1 S2, कहीं पे ऐसे भी बना हो सकता है अलग अलग, जैसे दो दिया है ना, तो इसे P दिया होगा, S1 और S2, तो ये इसके सिंबल हो गए। खरीदते कैसे हैं, ट्रांसफार्मर के नाम से खरीदते हैं, ट्रांसफार्मर के नाम से खरीदते हैं। तो अब बताइए ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, तो आप जानेंगे, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो क्या हमको 220 वोल्ट पे काम करना है? नहीं। तो 220 वोल्ट को कम में करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कम ज़्यादा वोल्ट को कम में, या स्टेप, ये भी लड़का का स्टेप, वो कौन ट्रांसफार्मर, स्टेप अब ट्रांसफार्मर, जैसे स्टेबलाइजर में देखे होंगे बैटरी से चार्ज होती रहती है, लाइट कट जाती है, तो बैटरी से 12 वोल्ट लिया तो 12 वोल्ट को बढ़ा के 220 में करता है कि नहीं, तो वहाँ पे कौन लगा होता है, हैवी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होती है समझ में आ गया। अब आती है चेकिंग, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो क्वाइल की चेकिंग होती है वही इसके होती है, जैसे प्राइमरी सिरा है और ये क्या बाबू, सेकेंडरी सिरा, या हम इस तरह ट्रांसफार्मर बना देते हैं, प्राइमरी सिरा सेकेंडरी सिरा, ये क्या होगा, ये L1 है, ये L2 है, L1 है, ये L2 है, तो ये पहला वाला क्वाइल पहले वाले में दिखाएगा, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी, लेकिन क्या ये इससे जुड़ा है? नो सर, नहीं दिया। तो इसकी एक चेकिंग जान जाइए, मीटर का रेंज कनेक्टिविटी पर सेट कर लीजिए, मल्टीमीटर का रेंज कहाँ करेंगे, कनेक्टिविटी टी पे सेट करिए, कनेक्टिविटी, ठीक है, बीप पे, कनेक्टिविटी का मतलब बीप पे, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर के पहले पिन पे लगाइए, दोनों वायर पे वैल्यू को देना चाहिए, सेकेंडरी पे रखेंगे तो सेकेंडरी देना चाहिए, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी में देना नहीं देना चाहिए, तो क्या है, सही है, सही है। मतलब इफ मल्टीमीटर सो प्राइमरी डिफ्लेक्शन, मतलब दिखाए डिफ्लेक्शन या वैल्यू दे
या आवाज़ करे, है ना, साउंड दे। एंड सेकेंडरी टू सेकेंडरी रिफ्लेक्शन, सेकेंडरी टू सेकेंडरी देगा, सेकेंडरी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब होती है सुई वाली में रहती हो, मतलब वैल्यू दे, बट प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं देना चाहिए, बट प्राइमरी टू, बट मतलब लेकिन, प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं देना चाहिए, सेकेंडरी, सेकेंडरी नील डिफ्लेक्शन देना चाहिए, नील डिफ्लेक्शन देना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लाइन में कहेंगे इफ मल्टीमीटर शो प्राइमरी टू प्राइमरी सेकेंडरी टू सेकेंडरी डिफ्लेक्शन दे, बट क्या ना हो, प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं देना चाहिए, तो क्या है, ओके आया। या हार्ड टेस्टिंग भी होती है, हार्ड टेस्टिंग का मतलब सर्किट में, ये विदाउट सर्किट है। हार्ड टेस्टिंग का मतलब प्राइमरी में देखिए 220 वोल्ट एसी ले रहा है, और सेकेंडरी साइड में अगर कहीं 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा है, इसके सिरे पर रखिए, 6 वोल्ट आउट कर रहा है तो क्या है, सही है, और नहीं किया तो खराब आ गया। तो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप लोग देखिएगा, मैं अपने चैनल पे एक इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक चैनल बनाया हूँ, किस नाम से, इलेक्ट्रॉनिक नाम का एक चैनल बनाया, उसमें जाएंगे तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, सारी चीज़ें की जानकारी लेने, तो सारी जानकारी लेना होगा तो आपको यूट्यूब में लिखना होगा राजकिशोर कुशवाहा, जैसे ही आएगा तो उसमें बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो है, तो उस पर नहीं क्लिक करना, उसमें आपका एक ऑप्शन देगा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक, क्लिक करेंगे तो पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, 14 कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर रजिस्टर क्या होता है, फिर कैपेसिटर क्या होता है, क्वाइल क्या होता है, आज मैंने पढ़ाया ट्रांसफार्मर, कल के वीडियो में हम लोग बनाएंगे कि डायोड क्या होता है, तो आपको मिला जुला के आइए हम चेक कराते हैं क्या होता है ट्रांसफार्मर। देखिए प्राइमरी सिरा, तो ये देखिए प्राइमरी से प्राइमरी में देखिए प्राइमरी सिरा है, देख रहे हैं, तो ये प्राइमरी सिरा है, ये सेकेंडरी, यहाँ पर देखो, ये देखिए प्राइमरी सिरा ये हो गया सेकेंडरी, तो प्राइमरी से प्राइमरी में वैल्यू आना चाहिए, सेकेंडरी से सेकेंडरी में आना चाहिए, देखिए देखिए निकला हुआ है वैल्यू नहीं दे रहा है, सेकेंडरी का सेकेंडरी में खराब है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की बस चेकिंग जा जाइए, जो क्वाइल की चेकिंग होती है, देखिए यहाँ क्वाइल सही है, तो यहाँ से यहाँ पे देखिए देखा, ये सॉरी यहाँ पे ये सर्किट है ना, हाँ देखिए यहाँ पे दिया, एक पर यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे, तो जहाँ लगा रहेगा वहाँ देगा, तो प्राइमरी से प्राइमरी में देना चाहिए, सेकेंडरी से सेकेंडरी, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है आप लोग को 100% समझ में आ गया, तो ये आपको ट्रांसफार्मर क्या होती है टोटल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या इसकी सिंबल होती है, क्या रियल शेप होता है, तो हिंदी में एक बार, तो ये टोटल ट्रांसफार्मर आपका समाप्त हो गया।